हेलो दोस्तों, वेलकम टू संडे स्टडी। और जिस रिज़ल्ट का आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, यानी बीएड जनरल 2022 का, उसका सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है। तो ये 9 तारीख यानी कि कल इसका रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ गई है और कौन कौन से नंबर, कौन कौन से बच्चे का सिलेक्शन हुआ, यानी कि उनके रोल नंबर भी हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि एडमिशन के लिए हम क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, और जो भी क्वेरी थी कि अगर किसी की मार्कशीट नहीं आई है या कोई डॉक्यूमेंट इम्प्रॉपर नहीं है या क्या चीज़ हमें वहाँ पर लगानी है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से उसके बारे में जानेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट बचेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है, तो हिंदी की जो कट ऑफ गई है वो जनरल के लिए आप देख पा रहे हैं 107.75, मुस्लिम के लिए 107, ओबीसी के लिए 99.25, और मुस्लिम वुमेन के लिए थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है 102.50, और पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसमें आपका कट ऑफ हमेशा ही कम जाती है, वो 68.50 गई है। और फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट मैं स्क्रॉल कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें वेटिंग लिस्ट भी आई है, वेटिंग लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट के बाद वेटिंग लिस्ट आई है, जिसके बाद जिसमें होगा क्या कि वो बच्चे जिनका जो एडमिशन नहीं लेंगे, वो उनके फिर वेटिंग लिस्ट से उनका क्लियर होगा, देन वो एडमिशन के लिए आएंगे। जैसे कि हिंदी कॉमर्स की हम बात करेंगे तो इसमें 3 कट ऑफ आपको कैटेगरी वाइज दे रखी है, जनरल की 120.25, 116.25 मुस्लिम की, और मुस्लिम की 94.25। अच्छा, मैं कट ऑफ के बारे में आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, कट ऑफ जो होता है वो मिनिमम मार्क्स है आपके, मैक्सिमम मार्क्स नहीं होते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 120.25 गई है, इसका मतलब ये है कि इतने मार्क्स आपको मिनिमम मिनिमम कैंडिडेट के हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, इससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो ये मिनिमम मार्क्स होते हैं कट ऑफ के। फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट आप देख पा रहे हैं 3 हैं, और उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनके भी 4-5 कैंडिडेट का नाम है। हिंदी इकोनॉमिक्स की 116.5, मुस्लिम के लिए 110, और मुस्लिम वुमेन के लिए 99। सिमिलरली सेलेक्टेड कैंडिडेट 3 हैं, और उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं हिंदी ज्योग्राफी में 118 कट ऑफ गई है। तो जो बच्चे आने वाले सालों में प्रिपरेशन करेंगे, या हो सकता है कि वो आने वाले सालों में जामिया की बीएड का एंट्रेंस देने की सोच रहे हैं, तो वो इन कट ऑफ को भी ध्यान में रखें कि इतना कितना कट ऑफ, अगर आप हिंदी मीडियम से लेख हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में या उर्दू मीडियम में, तो आपको कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए चाहिए, तो उसको हम कट ऑफ के थ्रू भी एनालाइज़ करते हैं कि हमें कितनी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है और कितना हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप देख पा रहे हैं अब हम हिंदी हिस्ट्री में, हिंदी मीडियम में ये कट ऑफ गई है जनरल की, मुस्लिम की और मुस्लिम वुमेन की। सिमिलरली हम स्क्रॉल करेंगे जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं टोटल तीन इधर और तीन इधर, यानी कि 6, उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी हिस्ट्री में। उसके बाद हिंदी इस्लामियात में बहुत कमी गई है, यानी कि मुस्लिम 55.75 गई है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडिडेट को सिलेक्शन हुआ है। पॉलिटिकल साइंस में, जो कि हमेशा से एक कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट रहता है हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में या उर्दू मीडियम, तीनों ही मीडियम में पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ जाती है वो हमेशा थोड़ी सी इन कंपेरेटिव टू अदर सब्जेक्ट थोड़ी सी हाई रहती है, साइंस वाले सब्जेक्ट से थोड़ा लो रहती है। तो आप देख पा रहे हैं कि जनरल में इसकी कट ऑफ 139.50 है, मुस्लिम में 124.25 है, और मुस्लिम ओबीसी में 121.50 है, और पीडब्ल्यूडी की तो हमेशा ही कम रहती है, यानी कि 60.75 आप देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि हमें कट ऑफ में नाम नहीं आया, तो
तो होता क्या है कि जनरल में जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं, या जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ मुस्लिम कैंडिडेट की, तो मुस्लिम कैंडिडेट में इतने मार्क्स तो होंगे ही, उसके साथ ही साथ ज़्यादा होंगे, तो उनको मुस्लिम कैंडिडेट में रख दिया गया है। साथ ही साथ अगर किसी का मुस्लिम कैंडिडेट में नहीं आ रहा, तो उसको फिर जनरल में एडमिशन मिलेगा। जनरल में भी एडमिशन तब मिलेगा जब उसका सेलेक्ट जब उसके जनरल के मार्क्स 139.50 मिनिमम होंगे। अगर किसी का मुस्लिम में नहीं आ रहा है, तो फिर उसके बाद उसका नाम सीधा जनरल में आएगा, और जनरल में वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो फिर उसको वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आप अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फिर भी जनरल में ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद वेटिंग लिस्ट में आप ये देख पा रहे हैं, ये वेटिंग लिस्ट है। हिंदी बायो साइंस में इतनी कट ऑफ गई है, और उसकी सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट ये है आपके सामने। फिर आपकी वेटिंग लिस्ट आई है एक। और हिंदी केमिस्ट्री में इस बारी कम कट ऑफ गई है, जनरल में 108.75 और मुस्लिम में भी 108.50 है, और मुस्लिम वुमेन में भी 108 पॉइंट, यानी कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.25 का अंतर है। तो ये पहले के मुकाबले इस साल कट ऑफ कम गई है, तो आने वाले जो स्टूडेंट है जो जामे की प्रिपरेशन करेंगे, वो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि कट ऑफ हर बारी लो नहीं रहती है, हर बारी इंक्रीज़ हो सकती है। जैसे कि आप हिंदी होम साइंस में देख पा रहे हैं, बहुत ही लो कट ऑफ गई है जनरल की भी और मुस्लिम वुमेन की भी। और हिंदी मैथमेटिक्स में जिसमें मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है, तो उसमें कट ऑफ आपकी जनरल की 100, मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कट ऑफ लास्ट ईयर भी इंग्लिश मीडियम में 160 गई थी, और आप देख पा रहे हैं इसका असर इस साल भी देखा। हिंदी मीडियम में इसकी कट ऑफ 136 है, मुस्लिम में 122.75 है, और मुस्लिम वुमेन में 120 है। तो इतने मिनिमम मार्क्स तो आपको लेके ही आने थे सेलेक्शन लेने के लिए। फिर ये वेटिंग लिस्ट आई है, और इसके बाद हम चलते हैं हिंदी फिजिक्स में। तो इस साल हिंदी फिजिक्स की कट ऑफ पहले के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले काफ़ी लो गई है। हो सकता है आने वाले सालों में ये 10-15 नंबर इंक्रीज़ हो जाए, हिंदी मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर इंग्लिश, इंग्लिश में लास्ट ईयर जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 138 गई थी, और इस साल जो कट ऑफ गई है वो 132.50 गई है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 6 नंबर कम गई है, कम इन कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर। क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर इजी था, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा गई थी, और इस साल पेपर थोड़ा सा इन कंपेरेटिव टू थोड़ा टफ था, इसलिए कट ऑफ थोड़ी आपकी लो गई है इस साल। आने वाले सालों में कट ऑफ हाई रहने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है। हिंदी कॉमर्स की बात करेंगे तो इतनी कट ऑफ गई है, ये भी पिछले साल हाई थी। और फिर इंग्लिश इकोनॉमिक्स में कट ऑफ जनरल की कट ऑफ 139.75 है, तो ये भी इस साल पिछले साल के मुकाबले लगभग सिमिलर ही रही है, ज़्यादा अंतर है नहीं, थोड़ी सी लो ही गई है। मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा अंतर आया है, 114 पे, और मुस्लिम ओबीसी में 101 पे। फिर आगे चलते हैं, तो इसमें हम सिलेक्टेड कैंडिडेट देखते हैं, और फिर वेटिंग लिस्ट है ये, जिनमें वेटिंग लिस्ट ऐसे क्लियर होती है कि जब कोई स्टूडेंट किसी कोई सीट छोड़ता है, तो उसके बाद जो भी वो कैटेगरी में सीट छोड़ेगा, तो आने वाले उस सीट को सिर्फ उसी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट फिल कर सकता है। जैसे कि अब इंग्लिश ज्योग्राफी में 138, मुस्लिम में 117.75 और मुस्लिम वुमन में 120। तो देखिए मुस्लिम्स में तो 117.75 गई है, और मुस्लिम में ये 3 नंबर इंक्रीज़ हो गई। तो मुस्लिम वुमन में 3 नंबर इंक्रीज़ इसलिए हुई क्योंकि मुस्लिम वुमन के मार्क्स ज़्यादा होंगे इन कंपेरेटिव टू मुस्लिम, क्योंकि वुमन में थोड़े से मार्क्स ज़्यादा होंगे, इसलिए ये कट ऑफ
3 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो गई। तो ये कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ इंक्रीज रहती है किसी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जहाँ पर वुमन का रेशो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर। इंग्लिश हिस्ट्री में इस साल बहुत लो कट ऑफ गई है, पिछले साल ये हाई थी। लो कट ऑफ रहने का चांसेस यही है कि इस साल एप्लीकेशंस भी कम आए थे, और आप बात करेंगे क्वेश्चन पेपर भी थोड़ा सा इन कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर टफ था। आने वाले जो भी बच्चे हैं वो इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान में रखें, इन कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करें। सब्जेक्ट वाइज ये कट ऑफ आपको बताई जा रही है। सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए भी हमने एक वीडियोस बनाई थी, जिसमें आप देख सकते हैं, वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस में 134.75, मुस्लिम में 133 और मुस्लिम वुमन में 122 गई है। आगे चलते हैं, फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट, उसके बाद फिर वेटिंग कैंडिडेट हैं ये टोटल। इंग्लिश बायोसाइंस में कट ऑफ ज़्यादा गई है अदर लैंग्वेज के मुकाबले भी। क्यों? क्योंकि बायोसाइंस में ऑलरेडी कंपटीशन, साइंस के सभी सब्जेक्ट में लगभग कंपटीशन ज़्यादा होता है। जैसे कि जनरल में ही आप देख पा रहे हैं 144, मुस्लिम में 142 कट ऑफ गई है, मुस्लिम वुमन में 137, और PWD बहुत कम यानी कि 54 कट ऑफ गई है बस इसकी। तो ये स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और ये हैं जो आपके वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आया है। इंग्लिश केमिस्ट्री में भी कट ऑफ लगभग लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ी सी लो गई है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाया। ये जो कुछ स्टूडेंट के मार्क्स कट ऑफ में आगे पीछे हुए हैं, क्योंकि उनका इंटरव्यू या तो ख़राब हुआ है या उनको इंटरव्यू में मार्क्स कम मिले हैं, जबकि हालांकि उनको रिटर्न में मार्क्स ज़्यादा थे। तो इंग्लिश होम साइंस की एक कट ऑफ है, उसके लिए अगर वो नेक्स्ट ईयर अपना एंट्रेंस देते हैं या नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो कोशिश ये करें कि वो अपने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न में लेकर आएं, इंटरव्यू के लिए ये चीज़ें ना छोड़ें। इंग्लिश मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है यानी कि 148.50, मुस्लिम में 147 और मुस्लिम OBC में 141। तो इंग्लिश मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इस साल कट ऑफ गई है। लास्ट ईयर भी ये 160 थी। तो ये सेलेक्टेड कैंडिडेट है और वेटिंग लिस्ट। इंग्लिश फिज़िक्स में 141 गई है, तो ये इंग्लिश फिज़िक्स की कट ऑफ है, आप इजीली देख पा रहे हैं। और इसके बाद चलते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट और वेटिंग लिस्ट की कैंडिडेट। तो ये मैं जल्दी जल्दी से आपके लिए स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी को आने वाले कैंडिडेट जो प्रिपरेशन करें तो वो देख पाएँ, एनालाइज़ कर पाएँ। जैसे उर्दू अरबिक में कट ऑफ बहुत ही कम गई है पहले के मुकाबले, वो इसलिए गई है, ये कट ऑफ इसलिए कम गई है क्योंकि इस साल उर्दू में कैंडिडेट पहले के मुकाबले कम आए थे। और फिर चलते हैं उर्दू पर्शियन में। तो पर्शियन में बहुत ही कम स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया, फॉर्म फिलअप किया था, और कट ऑफ भी आप देख पा रहे हैं, कट ऑफ पर उसका असर साफ साफ नज़र आ रहा है। सिर्फ 59 कट ऑफ गई है पर्शियन सब्जेक्ट में उर्दू मीडियम से। और सेलेक्टेड कैंडिडेट के बाद ये वेटिंग लिस्ट। और उर्दू उर्दू में कट ऑफ जो इस साल गई है वो बहुत ही लो गई है, पिछले साल ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई थी। 96 पे सिर्फ सेलेक्शन हुआ है सिर्फ जनरल वाले का, यानी कि 96 मिनिमम मार्क्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी अदर्स भी आप देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 59 और कश्मीरी माइग्रेंट में 41, बहुत ही सबसे कम तो 41 ही अभी तक मैंने देख पा रहा हूँ। तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उर्दू में ज़्यादा सीट्स होती हैं इसलिए नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट भी आपको ज़्यादा शो हो रहे होंगे। कैटेगरी वाइज भी ये सिलेक्टेड कैंडिडेट ये है। फिर ये आपका जम्मू कश्मीरी माइग्रेंट,
ये सब आप देख पा रहे हैं। वेटिंग लिस्ट में भी नो स्टूडेंट को डाला गया है जनरल में, और वेटिंग मुस्लिम्स में भी अच्छे खासे स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट डाला गया है, 18 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। मुस्लिम्स में 18 नहीं, वहाँ पर आई थिंक जी 18 थे वहाँ पर, और यहाँ पर भी लगभग 4 स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट है। मुस्लिम ओबीसी में भी आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी लोगों को, क्यों, क्योंकि उर्दू में काफ़ी लोग सीट स्किप करते हैं, सीट छोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट ज़्यादा लगाई है। उर्दू कॉमर्स की साल कट ऑफ काफ़ी लो गई है, तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो ईजिली उनका सिलेक्शन हो गया। तभी आप देख पाएंगे कि इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट के बाद कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट थे ही नहीं। उर्दू इकोनॉमिक्स में इतनी लो कट ऑफ इसी बार देखी गई है, नहीं तो हर साल इकोनॉमिक्स में कट ऑफ हाई रहती है। उर्दू मीडियम में भी, उर्दू मीडियम के सभी कोर्सेज में कट ऑफ लो ही गई है, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी सभी में ये लो देखी गई है। उर्दू हिस्ट्री में 100 कट ऑफ मैक्सिमम, और मिनिमम आप देख पा रहे हैं मुस्लिम वुमन की 75, और सेलेक्टेड कैंडिडेट ये हैं आपके सामने, और उसके बाद वेटिंग लिस्ट जिसमें आप ये देख पा रहे हैं दो दो वेटिंग लिस्ट निकाली गई इन्होंने सेलेक्टेड वाइज। उर्दू इस्लामियात में इतनी कट ऑफ गई है 84 और 80। उसके बाद इस वीडियो में हम अभी इस ख़त्म होने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने पड़ेंगे जिससे आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाए, जिससे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, और ऐसे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपके पास मार्कशीट नहीं है तो उन कैंडिडेट के लिए क्या 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 करना होगा या क्या प्रोसीजर होता है उनका, और फीस का क्या प्रोसीजर है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो उर्दू बायो साइंस में आप देख पा रहे हैं कट ऑफ 125 है, मुस्लिम के लिए 111, मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए 100, और मुस्लिम वुमेन के लिए 88 कट ऑफ गई है। तो बायो साइंस में कंपटीशन ज़्यादा ही रहता है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, साइंस के सभी सब्जेक्ट में कट ऑफ हाई रहता है, लेकिन देखो यहाँ पर उलट फेर हो गया है। यहाँ पर उर्दू केमिस्ट्री में सिर्फ 67 कट ऑफ गया है, वो इसलिए गया क्योंकि उर्दू मीडियम से किसी बच्चे ने, मतलब ज़्यादा कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं आया था केमिस्ट्री के लिए। सिमिलरली उर्दू होम साइंस 95, और सेलेक्टेड कैंडिडेट के बाद हम जल्दी से स्क्रॉल करते हैं मैथमेटिक्स। अब देखिए मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हिंदी मीडियम में, उर्दू मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में ही क्यों ना फिल करो, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन नज़र आएगा। अब यहाँ पर भी आप ये देख पा रहे हैं कि उर्दू मीडियम में भी मैथमेटिक्स में ही सबसे ज़्यादा कट ऑफ है, यानी कि 124.25 जनरल की कट ऑफ है ये, मुस्लिम की, मुस्लिम वुमेन की और मुस्लिम वुमेन की आप देख पा रहे हैं। अब देखते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट उर्दू मैथमेटिक्स के, तो ये आप देख पा रहे हैं, स्क्रॉल मैंने कर दिया आपके लिए, फिर वेटिंग लिस्ट भी दी गई है, फिर उर्दू फिज़िक्स में कट ऑफ आप देख पा रहे हैं 105 गई है, और यही मुस्लिम्स के लिए 81 गई है, और उसके बाद चलते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, और फिर वेटिंग लिस्ट है इसकी, फिर यही हमारा लास्ट था। अब चलते हैं हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है एडमिशन के लिए, तो इसकी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जिनका भी सिलेक्शन हो गया है वो अपने लिए क्या क्या लेकर जाएं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, आपको सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट लेना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपके पास ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी, और 2-3 आप फ़ोटो रख लीजिएगा, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ होने चाहिए जो कि आपके एडमिशन प्रोसेस में वो काम आएंगे। प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट इन अकॉर्डेंस विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर एडमिशन एज मेंशन इन प्रॉस्पेक्टस। तो जो भी, जैसे कि कोई मैथमेटिक्स या फिजिक्स जिसका, जैसे कोई मैथमेटिक्स में अपना एडमिशन कराना चाहता है तो वो मैथमेटिक्स
उसने बीएससी मैथमेटिक्स किया हो तो उसका उसकी सभी मार्कशीट वो लेकर आए ओरिजिनल। साथ ही साथ आप नीचे थर्ड पॉइंट में पढ़ रहे हैं प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। साथ ही साथ आप टेंथ क्लास ट्वेल्थ क्लास और ग्रेजुएशन की या कोई अगर मास्टर है तो मास्टर डिग्री के सभी मार्कशीट वो साथ में लेकर आएंगे ओरिजिनल, और साथ ही साथ दो दो इनके सेट फोटो कॉपी के भी आपके पास होने चाहिए जिसमें आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे उसको साइन करेंगे। तो ये तीन पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। चौथा पॉइंट है आपका आपके वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, एक तरीके से परमानेंट एड्रेस के तौर पे आप इसको देंगे। फिर हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज जो बच्चे एडमिशन लेंगे जिसमें आपका मुस्लिम ओबीसी है मुस्लिम एसटी है तो वो अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर आएंगे और उनको उसकी फोटोकॉपी आप सबमिट भी करेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं यानी कि छठा नंबर पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं वो भी अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वहाँ पर सबमिट करेंगे। और कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट जो या जम्मू कश्मीरी या कश्मीरी माइग्रेंट दोनों ही माइग्रेंट अपना जो भी जम्मू कश्मीर का स्टेट उनका एक लेटर बनता है वो लेकर आएंगे जिसमें आप कैटेगरी शो करेंगे कि आप जम्मू कश्मीरी माइग्रेंट है। आपको नाइन्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। आपको अपने कॉलेज से करेक्टर सर्टिफिकेट आप मस्ट हो गए आपको लेकर सबमिट करना ही है। क्यों? क्योंकि आपको ये इंटरव्यू के दौरान भी मांगा था लेकिन इंटरव्यू के दौरान मैंडेटरी नहीं था। आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्द आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से बनाने के लिए अप्लाई कर दें। अगर आपने अभी तक आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आज या कल में ही आप जल्दी में अप्लाई करें। ब्लड ग्रुप की बात आती है, काफ़ी बच्चों के मन में डाउट होता है कि क्या ब्लड ग्रुप भी वहाँ पर जमा होगा। तो बिल्कुल ब्लड ग्रुप भी आप वहाँ पर सबमिट करेंगे। ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट आपको बेसिकली फोटोकॉपी करके वहाँ पे देनी है और ये ब्लड ग्रुप या तो कोई MBBS लिख कर दे या कोई आप ऑथोराइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या जहाँ पर आप ब्लड ग्रुप चेक होता है वहाँ पे आप लेकर चेक करा के दे सकते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप आपको नहीं पता है तो आप आज या कल में ही जल्दी से जल्द ब्लड ग्रुप भी चेक करा लें ताकि आप वो रिपोर्ट भी आप सबमिट कर पाएँ। फिर फ्रेंड्स एक होता है गैप ईयर सर्टिफिकेट। अगर कोई किसी स्टूडेंट का कोई गैप है, मान के चलो कोई स्टूडेंट दो साल से नहीं पढ़ रहा था और उसने इस साल एडमिशन लिया है तो वो दो साल का गैप ईयर एफिडेविट लगाएगा। उसका एफिडेविट लगेगा जिसमें एफिडेविट के अंदर ये एफिडेविट आपको जामिया के नियर बाई ही काफ़ी सारे कॉलेज हैं जहाँ पर जामिया के नियर बाई ही काफ़ी सारे ऐसे साइबर कैफेज़ हैं जहाँ पर आपको ये एफिडेविट ईजिली 80, 90 या 100 रुपये में आपको बन जाते हैं। फिर दो एफिडेविट और आपके लगेंगे, वो होंगे आपके एंटी रैगिंग एफिडेविट, जो आपका एक होगा आपके पेरेंट के नाम से और एक होगा स्टूडेंट यानी कि जिन आपके नाम से, तो पेरेंट्स के नाम से ये बनेगा तो उस पर पेरेंट्स के ही साइन होंगे और जो आपका बनेगा उस पर आपके साइन होंगे। तो ये दो एफिडेविट आपके बनने ज़रूरी है। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जिनकी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है वो क्या करें। आपकी जिनकी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है वो क्या करें? क्या उनका एडमिशन नहीं होगा या ऐसा है कि उनका एडमिशन तो हो जाएगा फिर कैंसिल हो जाएगा? तो फ्रेंड इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जामिया इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है, जैसे कि आप इसमें भी पढ़ पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर 30 तारीख से पहले पहले अपनी मार्कशीट सबमिट करनी है। यानी कि अगर प्रोविजनल मार्कशीट आप सबमिट करते हैं, तो 30 तारीख से पहले पहले सबमिट कर दें। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जामिया इसमें फिर भी रिलैक्सेशन इस डेट के बाद भी रिलैक्सेशन देता है, लेकिन आप फिर भी रिस्क ना लें। अगर आपको
मार्कशीट जल्दी से जल्द मिल पा रही है तो आप ट्राई करें कि आप मार्कशीट जल्दी से जल्दी ले लें। होता क्या है कि वहाँ पर वो आपको एक NOC बना के देते हैं, एक लेटर पैड की तरह होता है जिसमें आप ये देते हैं कि इतनी तारीख तक मैं मार्कशीट आपको सबमिट कर दूंगा या मार्कशीट सबमिट कर दूंगी। लेकिन जब आपका एडमिशन एक बारी हो जाता है, जब मान के चलिए आपने फीस सबमिट कर दी है, तो ये होता ये है कि ऑफिशियली तो ये है कि आपको 30 तारीख से पहले पहले आपको मार्कशीट सबमिट कर देनी है सभी ओरिजिनल। लेकिन फिर भी जामिया आपको थोड़ा सा टाइम दे सकता है, वो आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करेंगे तो हो सकता है वो आपको रिलैक्सेशन ज़रूर दें, और रिलैक्सेशन मिलता भी है। जैसे कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स में भी मैंने देखा है, या आने वाले जो हमारे बैचमेट भी जो रहे थे उनमें से काफ़ी स्टूडेंट की मार्कशीट आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद सबमिट हुई थी, क्योंकि उनका रिज़ल्ट अनाउंस हो गया था लेकिन मार्कशीट प्रिंटेड नहीं हुई थी। तो आप कॉन्फिडेंशियल मार्कशीट या कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट वहाँ पर एक तरीके से सबमिट कर सकते हैं, जिससे आप सेफ जोन में रहेंगे। आप एडमिशन लेकर बेझिझक क्लासेस करें, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करें कि आपकी मार्कशीट जल्द से जल्द आपके पास आ जाए और आप सबमिट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये थी जामिया BEd 2022 की जितनी भी डिटेल्स हमने आपसे शेयर करना चाहिए वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। फिर भी आपको अगर कट ऑफ से रिलेटेड या मार्कशीट से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका सही आंसर आपको बताएं।